पूर्णा शहरातील मस्तानपुरा भागातील नागरिकांसाठी येथील सामाजिक कार्यकर्ते सरण भैया भगवान व टिपू सुलतान मित्र मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने नेत्र तपासणी व मोतीबंधू शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराचे उद्घाटन डॉक्टर सय्यद वहीद सय्यद मुसा यांनी केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ॲडव्होकेट शेख मुर्तुजा इनामदार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दिनेश मुळे हे होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून शेख हमीद भगवान, शेख आसिफ, शेख अजमत भैया, ॲडव्होकेट अत्तर, जगदीश जोगदंड, शेख खदीर, दिनेश चौधरी, शिवराज लोखंडे, शेख इम्रान, रफीक दादामिया, शेख आतिक, शेख रहीम यांची उपस्थिती होती. या प्रसंगी 200 लोकांनी आपली तपासणी केली. यात 50 लोक हे मोतीबिंदूचे रुग्ण असल्याचे सांगण्यात आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीसाठी शेख अक्रम पत्रकार, शेख वसीम बिल्डर, शेख बिलाल, शेख सोहेल भगवान, सय्यद हाजी सय्यद आतिक, तौफिक लाला, एम डी रऊफ, अवेश बिल्डर, अक्रम बिल्डर, शेख अनवर भगवान, अर्षद भगवान, जावेद भगवान, वसीम भगवान, इंजिनियर वसीम, इंजिनियर अवेश यांनी परिश्रम घेतले. अक्रम भाई, एक बात बताइए, आज नेत्र तपासणी और मोतीबिंदु शिविर का आयोजन किया गया, क्या मसला है, किन लोगों के लिए आपने ये काम किया? सर, ये साल भर से जो कोरोना का प्रादुर्भाव चल रहा है और साल भर से जो ये नेत्र बिंदु शस्त्रक्रिया और नेत्र तपासणी शिविर है जो चल रहा था, ये साल भर से बंद पड़ा हुआ और लोगों जो लोग हैं, जो आम जनता है, इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे. लोग का कोरोना के कोविड के चलते लोगों के दिल में भय भीति का वातावरण था, तो इसके चलते मस्तानपुरा के आवाम के लिए और यहाँ के वृद्ध नागरिक और बुज़ुर्गों के लिए यहाँ के भावी नगर से शेख सरान शेख जी, आज आपने ये जो शिविर का आयोजन रखा है, किस लिए रखा है? गरीब लोगों के. अभी ये जो अब तक कितने लोग आए हैं? 150 लोग आए. प्रतिशत कैसे मिल रहा है? अभी आगे क्या कर रही है? सामाजिक कार्यक्रम करते रहेंगे. बस, थैंक यू. मेरा नाम सैयद हाजी. आज ये जो प्रोग्राम है हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा है. अभी जो मस्तानपुर में जो इनका टीपू सुल्तान जो ग्रुप है, यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप है इनका, और आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं करा यहाँ पर कोई भी. और सरन भैया के दिल में ऐसा कुछ ख्याल आया कि भैया पूरे काम अच्छा करेंगे. अभी जो कोविड का महामारी चल रहा है, अभी लोग बहुत परेशान भी है, तो ऐसा एक केस उनको एक मिला था, उनको भाई आँखें का प्रॉब्लम है ये है, तो उनके दिल में आया, तो बच्चों के संग उन्होंने डिसीजन करे कि भाई एक ऐसा मसला है कि आप बोले क्या करना चाहिए. तो सब बच्चों ने बोले भाई ठीक है, तुम जैसा बोले वैसा करो. तो उनके दिल में आया कि भाई आप बोले एक नेत्रदान शिविर का कार्यक्रम रखेंगे. और मोतीबिंद जो है ये जो मस्तानपुरा भागामध्ये नेत्र शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे, कसं त्याकडे पाहतात? आज मस्तानपुरा येथे टिपू सुलतान मित्र मंडळाच्या वतीने जो मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर आणि डोळ्यांच्या आजारावरील विविध शस्त्रक्रिया या मोफत ठेवलेल्या आहेत, त्याबद्दल मी प्रथमतः टिपू सुलतान मित्र मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि सरण भैया भगवान यांना प्रथमतः या कामासाठी शुभेच्छा देतो. हे एक नेत्र तपासणी शिबिर आणि मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर हे डोळ्यांच्या आजारावर एक चांगलं काम आहे, कारण की अनेक लोक अंधारातून उजेडाकडे जाण्यासाठी हे एक चांगलं काम सरण भैया भगवान यांनी केलेलं आहे. गोरगरिबांना लायन्स क्लब नेत्र रुग्णालय आणि टिपू सुलतान मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने हे एक ठेवण्यात आलेलं आहे, आणि एक डॉक्टरांची चांगली टीम मस्तानपुरा येथे आलेली आहे, आणि सरण भैया यांच्या वतीने हा कार्यक्रम आयोजित करून